सो ही गाइस व्हाट्स अप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। गाइस आज की वीडियो में एक्टिवा 7G के स्पोर्ट्स एडिशन के बारे में बात करने वाले, इंडिया की प्राइस, लॉन्च डेट वगैरह के बारे में। तो चलो गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। I got 'em coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I can feel 'em try to grab me by the ankles. I can hear 'em all start to say my name, oh. But it's not about the money or the fame, no. No, it's all about me just doing my thing, yo. 'Cause I'm loving what I do and I won't change, no. I feel blessed I could do this every day, yo. सो गाइस सबसे पहले जो आपने चीज़ नोटिस भी करी होगी और जो चीज़ देखने को भी मिलने वाला है, एक्टिवा 7G का जो 150cc वाला वेरिएंट आएगा, इसका डिज़ाइन बिल्कुल जो अपनी पहले की एक्टिवा आती थी उसके जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिल्कुल डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, एरोडायनामिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हाई स्पीड में इसको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है पिछले मॉडल से। जैसा कि देख सकते हो पीछे की तरफ डुअल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है, तो स्टेबिलिटी वगैरह और कम्फर्ट सब कुछ होंडा ने ध्यान में रखते हुए इस स्कूटर को डिज़ाइन किया है। कंफर्ट के साथ साथ बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आगे पीछे अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और साथ ही साथ सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे आपको। देख सकते हो पैर रखने की जगह, और कुछ लोग कह रहे थे इसमें सिलेंडर नहीं रख पाएंगे, तो हाँ गाइस स्पोर्ट्स सेंट्रिक स्कूटी है तो इसमें स्कूटर आपकी में आप सिलेंडर रख नहीं सकते। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, काफ़ी अमेजिंग है। इसके दो वेरियंट्स आएंगे, एक में आपको कॉम्बी ब्रेक देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक में आपको ABS देखने को मिलेगा। वाला जो आप वेरिएंट देख पा रहे हो गाइस, इसमें देखो लिखा हुआ भी है वहाँ पे उस पर मडगार्ड पे ABS, यानी कि ये ABS के साथ आने वाली है इंडिया पे। अब इसी के साथ साथ बात करें गाइस इसके बाकी चीज़ों की, तो जैसे बात कर लेते हैं टॉप स्पीड की, तो 150cc की है तो अराउंड 120 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड होने वाली है, और इसी वजह से माइलेज हल्की सी कम हो जाएगी इसकी, 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हो जाएगी ज़्यादा पावर की वजह से। अंडर सीट स्टोरेज देख सकते हो, साथ में LED लाइट मिल जाएगी, इससे आसानी होगी, चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, फ़ोन चार्ज कर सकते हो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाएगा, देख सकते हो फुल्ली डिजिटल होने वाला है, चार्जिंग पेट्रोल वगैरह स्पीड सब कुछ। और साथ ही साथ गाइस देख सकते हो कुछ इस तरह से है स्विचेस वगैरह का डिज़ाइन, आप देख सकते हो लॉन्च डेट है अराउंड जुलाई 2022 में। आप देखते हैं लेट हो जाए तो आप प्राइस होगी अराउंड 1,25,000, और आपके स्टेट पे प्राइस डिपेंड कर सकती है। अब गाइस बात करें यार चारों में से कोई भी एक वीडियो को देख लेना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय।